तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अंदर जाके देखते हैं कि आज क्या कुछ हमें फाइनली यहाँ से मिलेगा आफ्टर 4.5 आवर्स की ड्राइव के बाद। आइए। All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no why this ye bucket choti padne wali hai, isse kuch nahi hone wala aaj ka. Some silence please, you're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently. Charo taraf honey, idhar sare beauty products. वैसे यार एक चीज़ मैंने देखा है, लड़कियों की ऐश है, हर चीज़ लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्रब या मॉइस्चराइज़र। ये यहाँ पे डिफरेंट हनी की सारी बॉटल्स इन्होंने रखी हुई हैं, और यहाँ पे आप आओ, ये ऐसे करके इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करो, हनी लो और हनी को टेस्ट करो। ये इन्होंने न्यू फ्लेवर ऐड किए हैं, कोको फ्लेवर है, इसको भी टेस्ट करते हैं। So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know it's easier to hide and just to lay. जैसे मैंने आपको बाहर बताया था, ये जो फ्लावर्स हैं इसका ये एक्चुअल टेस्ट है। ये नहीं है कि इसमें एडिट किया हुआ है कोई टेस्ट और कलर, नो। वहीं पे हनी बीज को प्लांट करते हैं और वहीं से हनी बीज इकट्ठा करती हैं हनी को अलग फ्लेवर, और यहाँ पे हमारे पास वो हनी पहुँचता है। तो इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं, और जैसे ये सारा शो किया हुआ है, ये सारा डिफरेंट हनी के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो हम सब टेस्ट करने वाले हैं। और यस थाइम so thick and ये कोको फ्लेवर है। दो इन्होंने ये अलग अलग रखे हुए हैं, फ्लेवर सेम है लेकिन ये दो स्टॉल्स लगाई हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हों, एक दूसरे की वेट ना करें, कुछ लोग उधर से टेस्ट कर ले, कुछ लोग यहाँ से टेस्ट कर ले। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient. मुझे अच्छा यहाँ क्या लगता है, बहुत सारे हनी फ्लेवर होते हैं, अपने इच्छा का टेस्ट करो, टेस्टिंग फ्री है, जितनी मर्जी करो, और उसके बाद जो आपको अच्छा लग रहा है, जो टेस्टी लग रहा है वो चूज़ करो। वहाँ भर रखी हैं शेल्फ्स, और अपने टेस्ट का लेके जाओ। और अच्छा क्या है, अगर आपके पास खुद अपने कंटेनर्स हैं, जार्स हैं, तो वो ले आओ, यहाँ से वो आपको रिफिल करके देते हैं, वो और भी चीपर पड़ता है, लेकिन हम नहीं लेके आए। बीस के इन्होंने रखे हुए हैं, ये देखो कैसे कैसे ये सारा अपना तैयार करते हैं। ये हनी कॉम, इसमें भी हनी कॉम, ये हनी बीस, ये यहाँ पे रख के आप इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये सारी नॉलेज प्रॉपर इन्होंने दी हुई है, और बहुत सारे बच्चे स्कूल्स खुद बच्चों को यहाँ लेके आते हैं फॉर द नॉलेज। ये देखो
ये सारी जिंदा बीज हैं, ये हनीकॉम यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, ये प्रॉपर नॉलेज और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे कौन से मंथ में क्या क्या है, कौन कौन से दिन में, ये सारा इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको इनसे कोई नॉलेज चाहिए तो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हो। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. ये मनु कहानी है, वर्ल्ड बेस्ट हनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस हनी की इतनी धूम है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, अगर ये दे दो जिसको जो हनी लवर है, वो आपको थैंक्स करते नहीं थकेगा, आई प्रॉमिस। I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn. मज़े वाली चीज़ क्या है, ये डिस्पेंसर लगे हुए हैं हनी के। यहाँ से वॉल खोलो और अपनी बकेट या अपना कोई भी जार लेके आओ, अपना हनी भरो और यहाँ पे वेट्स करवाओ और पे कर दो। वेट करवाने के बाद जो भी आपका टोटल वेट आएगा वो ये चार्ज कर लेंगे। ये भी चीज़, यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और ये जैसे मैंने बताया 6 kg हनी ये, और बाकी आपको बॉक्स में बाहर जाके दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। हनी बंदे ने खूब सारा हनी बाय कर लिया है, क्योंकि आपको पता है, जिनको नहीं भी पता है, हनी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा। और ये ऑलरेडी ये मेरा सेकंड चक्कर है, गाड़ी सारी भरी हुई है, ये सारे हनी प्रोडक्ट्स हैं। ये सिक्स लीटर हनी और ये 2 लीटर, जो भी मुझे अलग अलग फ्लेवर्स में मिले। ये स्पेशल मानो का हनी, ये यहाँ की स्पेशलिटी, सब भर लिए। इनफैक्ट चॉकलेट्स भी हनी वाली, हनी कॉम, इसमें क्रिस्पी हनी कॉम डाला हुआ है, ज़बरदस्त टेस्ट किया। और जो चॉकलेट्स भी ली है वो भी डार्क हनी क्रंच बीच में डाला हुआ है, अमेजिंग। तो फाइनली दोस्तों, ये रीज़न है मेरी 4 घंटे की ड्राइव का, इसीलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी मनपसंद डिफरेंट टाइप के आपको हनी टेस्ट करवाते हैं, देन उसके बाद आप बाय करते हो। ये नहीं कि हनी यहीं पे मिलता है, ऑल ओवर द न्यूजीलैंड हनी कहीं पे भी मिलता है, लेकिन मेरे लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, बहुत सीनिक ड्राइव है, और उसके बाद यहाँ आप टेस्ट करो और अपने मनपसंद हनी, और दूसरी चीज़ क्या है, बेस्ट प्राइस में, प्राइस यहाँ बहुत गुड मिलते हैं, तो सारा काम यहीं पर हो जाता है। तो ये मेरा 1 साल का कोटा हो गया पूरा, 1 साल ये चलेगा और 1 साल के बाद फिर इकट्ठे लेने आएंगे। अभी ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन
ये व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो अब जाते हुए जो भी हम करेंगे, कहीं रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे और सारा रास्ता भी तो आपको दिखाना है ना वापसी का। ब्यूटीफुल रास्ता है, सीनिक व्यू है, जैसे आते हुए आपने देखा है वैसा ही, लेकिन उससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो आते हुए सीनिक व्यू दिखते हैं, जाते हुए कुछ और तरीके से दिखते हैं। तो क्यों ना आपको वो दोनों इन्जॉय करवाए जाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नए स्टेप में, नए चैप्टर में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक तो मतलब वीडियो शुरू हुई पहले लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच।